हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक और मैं क्रोचेट वर्क लाई हूँ जो कि बहुत खूबसूरत सा है। और जो नए व्यूवर्स मेरे वीडियो में अभी अभी जुड़े हैं, उन सभी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको ये जो थालपोस मल्टीपर्पस आप यूज बोल सकते हो इसे, ये थालपोस भी बोल सकते हो, टेबल कवर भी बोल सकते हो, टेबल मेट भी बोल सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। इसे मैंने 5 कलर के ऊन से तैयार किया है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे फ्लावर पॉट रखी हुई हूँ। इस तरह से आप डाइनिंग टेबल जिनके घर में है, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच इसे रख दें और फ्लावर पॉट रख दें, बहुत ही खूबसूरत सा ये दिखता है। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये जो फ्लावर है, ये मैं इसी से अटैच बनाई हूँ, कुछ अलग से नहीं लगाई हूँ, मैं दिखा बता रही हूँ आपको। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये डिजाइन दिख रहा है। मैं सामने से भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, और दूर में जाके भी दिखाती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मैं मेरे पास बड़े कैमरे नहीं है, मैं फ़ोन से बनाती हूँ इसे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर से दिखाती हूँ और सामने से दिखाती हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन उतर के आया है। और इसमें मैं क्या क्या यूज की हूँ और कितना सेंटीमीटर है, कितना ग्राम का मैंने ऊन यूज किया है, सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। क्योंकि बहुत व्यूवर्स बोलते हैं कि आप मैम बताती नहीं है पूरी बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाके देख सकते हो, मैं सारा मेंशन कर दूंगी, ठीक है? मैं पहले नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कितना ऊन लगेगा मुझे भी आइडिया नहीं होता है, ठीक है? तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना है, कितना ऊन किया यूज करूंगी मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 कलर का ऊन लिया हुआ है, जबकि मैंने इसमें एक और यूज किया हुआ है रेड कलर का ऊन, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ आपको। तो ये सारे 50 ग्राम का ऊन है और सारे 4 प्लाई के ऊन है, ठीक है? और इस तरह से आपको एक क्रोचेट नीडल्स लेना है जो कि 4 नंबर का है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 2.5 mm का है, ठीक है? और एक आपको इस तरह से सीजर ले लेना है, और ये सब सारे लेके आपको बैठना है, ठीक है? क्वांटिटी आपको अधिक ही लेके बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए, एक निडल्स ले लेना है। अब मैं बनाना बता रही हूँ आपको। और इस तरह से मैं राउंड घुमाते हुए एक नॉट लगा ली, फिर एक और मैं चेन लेते हुए इसे सिक्योर एक और नॉट लगा के इसे पूरा ये करूँगी। डबल नॉट लगा सकते हो आप। इसके बाद आपको यहाँ पे 8 चेन लेना है, ठीक है? 8 चेन ले लेना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 8 चेन बना चुकी हूँ, और जो सबसे लास्ट वाला चेन है मैं वहीं पे इसे ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से आप काउंट करके देख भी सकते हो कि आपने 8 बनाया हुआ है कि नहीं, तो इस तरह से काउंट भी कर लेना है आपको। ये देखिए, मैं सबसे लास्ट वाले में इस तरह से इसे डालूँगी, हुक में फंसाते हुए इस तरह से मैं स्लिप स्टिच करके निकाल लूँगी, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है आपको, 3 चेन लेना है, 1 2 3, ठीक है? अब ये चेन हो गया, आपको इस लूप के अंदर से 23 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है? टोटल आपका 24 होना चाहिए। और ये सेकेंड रो चल रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आपको इस लूप के अंदर से 23 डबल क्रोशे निकालना है, इस तरह से। यहाँ 3 हो गया, ये मैंने चेन को भी काउंट किया हुआ है, ठीक है? टोटल चेन को मिला के 24 हो जाता है, मैं बार बार बता दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे 4, ये देखिए 4 हो चुका है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 चल रहा है, 13 14 15 16 17, ठीक है? यहाँ पे 17 हो गया आपका, 18 19 20 21 22 23 एंड 24, ठीक है? आपका देखिए टोटल 24 हो गया। अब इसे यहाँ जो जो चेन मैंने बनाया हुआ था पहले से, उस चेन के सबसे ऊपर वाले
लूप में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ ज्वाइंट हो चुका है, और ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ और स्लो स्लो करके ही बता रही हूँ, जिसके चलते वीडियो भी मेरी बहुत बड़ी बन जा रही है। रिस्पॉन्स तो मेरी पता नहीं अच्छी नहीं आ रही है, अभी देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारा कंप्लेंट किया था कि मैम आप बहुत फास्ट बनाती हो, तो ये देखिए मैं बहुत स्लो स्लो बना ही रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं फोर चेन ले ली हूँ पहले, ठीक है, और ये जो यहाँ पे लूप या चेन बोलो आप, उसके अंदर से मैं एक डबल क्रोशे निकाली, फिर स्पेस के लिए वन चेन मैंने लिया, फिर इसके बगल से मैं वन डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर स्पेस के लिए आपको वन चेन लेना है, ठीक है। इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाना है और एक चेन लेना है, और सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशे बनाना है और वन चेन लेना है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रो चल रहा है, इस तरह से ये थर्ड रो को मैं कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको पूरा अच्छा से बता रही हूँ, ये देखिए, तो ये पूरा देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो जो मैंने फोर चेन बनाया था, तो थ्री काउंट करके आपको स्लिप के उसी लूप के अंदर से इसे ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो ये देखिए जहाँ पे डबल क्रोशे है, ठीक है, उसके ऊपर वाले चेन में आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये आपका फोर रो चल रहा है। अब मैं यहाँ पे फोर चेन या थ्री चेन आपको बनाना है, यहाँ पे थ्री चेन बना लीजिए आप, और ये जो डीप लूप है यहाँ से आपको टू डबल क्रोशे निकालना है, फिर ये जो डबल क्रोशे के ऊपर वाला चेन है वहाँ से मैं वन डबल क्रोशे निकालूंगी, और इस लूप के अंदर से मैं वन डबल क्रोशे निकालूंगी। आपको ये याद रखना है कि पहला वाले लूप से टू डबल क्रोशे और सेकंड वाले लूप से वन डबल क्रोशे, और जो डबल क्रोशे के ऊपर जो चेन बना हुआ है वहाँ से मैं वन वन डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो ये आपका फोर रो इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए मैं सामने से दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से मैं बनाऊंगी, ये मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सोचा फ्रेंड कि मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको आइडिया हो या ना हो तो फिर कंप्लेंट हो सकता है, मैं तो मैं कंप्लेंट नहीं समझती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे कंप्लेंट मेरे मेरे मैसेज में आते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मुझे कभी कभी थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन नहीं ठीक है चलेगा, क्योंकि इसी से मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर से मैं यहाँ पे फोर फाइव चेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टू चेन का स्पेस करना है, इस कारण मैं यहाँ पे फाइव चेन ली हूँ, और ये आपका फाइव रो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वन चेन को मैं स्किप करूँगी और उसके बगल वाले में वन डबल क्रोशे बनाऊँगी। स्किप का मतलब होता है हटाना, ठीक है, या उसे भगाना, क्या मैं बोलूँ, तो आजकल तो सभी लोग समझ जाते हैं फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख के भी समझ जाओगे। तो इस तरह से मैं एक चेन को नहीं कर रही हूँ और दूसरे चेन में मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर आपको स्पेस के लिए टू चेन हमेशा डालना है, तो इस तरह से वन चेन को स्किप करना है और ऊपर में टू चेन लेना है और वन डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से आपका ये फोर रो फाइव रो कंप्लीट होगा, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देखिए टू चेन है। अब मैं वन चेन लेके इसे नोट लगा लूँगी इस तरह से, अब मैं यहाँ पे व्हाइट ऊन का यूज करूँगी जो मैंने येलो से बनाया था, येलो कलर के ऊन से, तो इसी तरह से मैं व्हाइट कलर की भी ऊन से बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए जहाँ डबल क्रोशे है मैं उसी की सिधाई में इसे ज्वाइंट मैंने किया, आप देख लीजिए, और यहाँ पे मैं थ्री चेन बनाई हूँ। अब इसके बाद मैं इस लूप के अंदर से टू टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है, सेम उसी तरह से रिपीट करूँगी। फिर मैं इसकी सिधाई से मैं वन डबल क्रोशे निकालूंगी, अब इस लूप के अंदर से मैं वन टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर इसकी सिधाई से मैं वन डबल क्रोशे निकालूंगी, इसी तरह से
ये रो को भी मैं कंप्लीट करूँगी, और ये 6 रो चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, एक से मैं 1 निकाल रही हूँ और एक से मैं 2 निकाल रही हूँ। तो फर्स्ट से आपको 2 निकालना, फर्स्ट लूप से, सेकंड लूप से आपको 1 निकालना है। इसी तरह से आपको रिपीट करना है। फिर मैं यहाँ से 2 टाइम निकालूँगी डबल क्रोशे, और यहाँ से मैं ये जो चेन है यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँगी। फिर इस लूप के अंदर से मैं 1 निकालूँगी और ये चेन से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँगी। इसी तरह से ये मैं पूरा कंप्लीट करती जाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। मैं जॉइंट भी कर दी हूँ, ये देखिए सामने से दिखा देती हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं फिर से चेन लूँगी, यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है। ये 6 रो है और यहाँ पे आपको 6 रो में आपको 3 चेन लेना है। सॉरी, 8 चेन लेना है इसमें। अरे 6 नहीं, 7 रो चल रहा है, सॉरी, ये 7 रो चल रहा है फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने 1 1 लूप से 8 डबल क्रोशे बनाया हुआ है, ये देखिए। यहाँ काउंट करके अभी आप देख सकते हो। और 9th में मैं क्या करूँगी, 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी 9 वाले रो में, सॉरी 9 वाले चेन में। तो ये देखिए, इस तरह से आपको फिर से इसी को रिपीट करना है। फिर मैं 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 8 टाइम करूँगी, ठीक है। 8 बार मैं इसी तरह से करूँगी। फिर इसके बाद जब 9 आ जाएगा तो मैं उस लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और ये 7 रो चल रहा था, मैंने बताना भूल गई मैं, ये 7 रो है। ये बिना रो का भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा आपको भी आसानी होती है। तो इस तरह से पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूँगी फिर से। ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ। एक और रो आपका कंप्लीट होगा इसी तरह से, 8 और 9 रो, 2 और रो आपका इसी तरह से चलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी मैं 8 करके मैं 9 में 2 डबल क्रोशे बढ़ाई हूँ, ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 डबल क्रोशे मैंने अलग अलग करके बनाया 1 1 लूप से, और 9 में मैंने 2 निकाला। फिर यहाँ पर भी मैं इसी तरह से 8 टाइम डबल क्रोशे बनाई 1 1 करके, और 1 लूप के अंदर से 2 निकाली 9 में, ठीक है। तो सेम जैसा आपका 7 है वैसा आपका 8 रो भी है, सॉरी 6 और 7, मैं भी लगता काउंट करने में मिस्टेक कर रही हूँ शायद। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 रो है, ठीक है, क्योंकि मैं चेन को भी काउंट कर दी हूँ। तो ये 8 रो चल रहा है आपका। तो 7 और 8 सेम है आपका, और 9 भी, ये देखिए मैं फिर से 3 चेन बनाई यहाँ पे, और सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे 3 हो गया, 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो 6 नंबर है मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी 6 वाले लूप से, ठीक है। ये देखिए, फिर मैं 1 1 करके 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, ऐसे मैं 5 टाइम करूँगी। और जब 6 में आऊँगी तो मैं वहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूँगी। कि देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ था, फिर यहाँ से देखिए 5 हो गया। अब 6 में मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी 1 लूप के अंदर से। तो ये आपका 9 रो इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे करके पूरा यहाँ तक दिखाती हूँ आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्रेंड आपको और दो रो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये देखिए और दो रो मैं पूरा यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ थ्री यहाँ तक मैंने बताया हुआ था, फिर मैं आपको यहाँ तक बताई थी आपको, और ये 1 2 3 रो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, ये 5 मैंने 1 1 किया, फिर उसके बाद 6 में मैंने 2 निकाला, फिर ये जो ऊपर वाला लूप है यहाँ पर भी देखिए यहाँ 2 है, फिर यहाँ पर मैंने सिंगल सिंगल, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने उसी टाइप का किया हुआ है, सिंगल सिंगल 5 टाइम, और यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशे 6 में निकाला। तो इसी तरह से आपका 3 रो इसी तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये आपका 9 10 11 आपका सेम इसी तरह से गया, ठीक है। तो आपको वैसे भी आइडिया हो गया होगा कि आपको 5 डबल क्रोशे निकालना है 1 1 लूप से, और 6 में आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। इसी तरह से आपको 3 रो कंप्लीट करना है। अब 12 में मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे मैं पहले चेन बनाऊँगी और इस तरह से 1 1 लूप से 1 1 डबल क्रोशे निकालूँगी। सेम उसी तरह से रिपीट करना है आपको 12 को भी, सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है, सॉरी 12 में आपको सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है। अब मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। अब यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज करूंगी मैं। यहाँ पे आपको 14 टाइम डबल क्रोशे बनाना है 1 1 लूप के अंदर से, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 14 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 डबल क्रोशे बनाने के बाद आपको 15 चेन बनाना है, इस तरह से 15 चेन बना लीजिए आप। तो 13 रो भी आपको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या की, 3 को मैंने स्किप किया और उसके जो फोर्थ वाला चेन है ये लूप है वहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकाली और उसके बगल से मैं 1 डबल क्रोशे 2 टाइम निकाली, ठीक है। फिर उसके बगल से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूँगी और उस लूप के अंदर से मैं एक और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है आपको। ये देखिए मैं यहाँ से 1 निकाली, यहाँ से 1 निकाली और सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। ये देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। सॉरी 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे वैसे निकालना है, मैं मिस्टेक बता दी आपको। और इस तरह से निकलने के बाद इसे राउंड घुमा लेना है आपको, और जो पीछे का हिस्सा है ये देखिए मैं कैसे राउंड घुमाई, और मैं इधर से पकड़ते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे इकट्ठा ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से पंखुड़ी जैसे तैयार हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी, 1 चेन लेने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे आपको 3
चेन को स्किप कर देना है, ठीक है, इस तरह से, और उसके बगल में 1 डबल क्रोशे उसके बगल में निकाल लेना है। फिर मैं सारे लूप के अंदर से 14 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 3 चेन को स्किप किया है, तो यहाँ तक पूरा 14 हो चुका है मेरा। ये काउंट करके मैं दिखा देती हूँ आपको, ये पूरा 14, जैसे मैंने यहाँ पे 14 बनाया हुआ था, और यहाँ पे 15 चेन आपको इस तरह से बना लेना है। पूरा 15 चेन बनाने के बाद अब देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं 3 चेन को काउंट करके उसे स्किप कर दूंगी, और 4th में मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। अब उसके बगल वाले चेन से, ये देखिए इसके बगल में जो चेन है, मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी उसी लूप के अंदर से, फिर मैं उसके बगल वाले लूप से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, ये देखिए। तो इसी तरह से मैं सारे लूप के अंदर से 2 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, ये चेन के अंदर से भी मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ये सारा मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक करके आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे लास्ट में 1 चेन को छोड़ देती हूँ, ठीक है। सारे को आपको नहीं करना है, 1 चेन को आपको नीचे में छोड़ देना है। अब इसे राउंड टाइप का इस तरह से घुमा लेना है आपको, इस तरह से देखिए मैं जैसे घुमा रही हूँ, आगे साइड से कर लेना है आपको इस तरह से, पीछे तरफ ऐसे करके। फिर मैं यहाँ पे एक फंसाई सबसे आगे में, फिर इसके बीच में इस तरह से मैं फंसाऊँगी, ये देखिए फिर से दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से इसे घुमा लीजिए राउंड करके, ये देखिए मैं इस तरह से पकड़ी हूँ, और मैंने इसे इस तरह से घुमाया। अब मैं इसे इधर घुमा के, अब मैं यहाँ से इसे निकालते हुए यहाँ पे फंसाऊँगी इस तरह से। फिर ये जो चेन है, यहाँ पे मैंने एक चेन को छोड़ दिया था, उस चेन को मैं चेन में फंसाते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है आपको, ये देखिए इस तरह से, और सारे इकट्ठे को स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे 1 चेन ले लेना है, ये देखिए इस तरह से पंखुड़ी तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद मैं 3 चेन को स्किप कर दूंगी, सॉरी यहाँ पे गलती मैं कर रही थी, यहाँ पे आपको 3 चेन को स्किप कर देना है, और इस तरह से उसके बगल में आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है, और इसी तरह से फिर 14 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से ये दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैं इसे पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ मैं दिखाने के लिए छोड़ी थी, क्योंकि यहाँ मैं 3 3 करके स्किप जो कर रही थी यहाँ पे चेन को, तो लास्ट में क्या हो गया कि यहाँ क्वांटिटी इसकी कम हो गई है, ठीक है। तो इस कारण मैं यहाँ तक 14 की, और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 छोड़ी हूँ स्किप पे, यहाँ पे 1 को मैंने स्किप कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशे बनाया हुआ है, 1, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे 1 छोड़ दी हूँ। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस फ्लावर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सामने में हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं फिर से आपको दिखाने का कोशिश करूँ कि पता नहीं आपको समझ में आया हो। तो इस तरह से आपको राउंड घुमा लेना, और ये देखिए यहाँ पे जो दिखता है, यहाँ से इस तरह से सीधाई में आपको इस तरह से लूप को उठाते हुए जाना है, फंदे को, और ये जो चेन में 1 चेन छोड़ देती हूँ लास्ट में, तो वहाँ पे इस तरह से उनको फंसाते हुए स्लिप स्टिच कर देना है, और यहाँ पे 1 चेन ले लेना है लास्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो चेन बनाई थी सबसे ऊपर वाले में इस तरह से ज्वाइंट करते हुए नोट लगा लेना है, ठीक है, 1 चेन लेते हुए। तो ये देखिए इस तरह से नोट लगा लेना है आपको, ठीक है। अब मैं कट कर दूंगी, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा आपका सारा कली तैयार होके रेडी है। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये सामने हो चुका है, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, तो मिस्टेक हो जाता है काउंट करने में भी। तो ये देखिए फ्रेंड,
आप आगे से भी, आपको आइडिया हो गया वो, तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए तो इससे आपको बराबर इक्वल आ जाएगा। अगर आप 13 या 12 करके आप चलोगे तो उस तरह से आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से वाइट कलर का उनको यहाँ पे मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया। देखिए ये जो पंखुड़ी मैंने बनाया हुआ था उसकी सिलाई की डबल क्रोशे में मैंने ज्वाइंट किया, और वहाँ से मैं वन चेन के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, और इसके बगल से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये आपका 14 रो चल रहा है फ्रेंड। ठीक है, 14 रो में देखिए इस तरह से आपको करना है, फिर सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है आपको। जो पंखुड़ी के सामने वाला जो वन बचे, एक जो डबल क्रोशे बचेगा उसके लूप के अंदर से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं सारे यहाँ से यहाँ तक मैं 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और ये जो लास्ट वाला है यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे भी 2 टाइम डबल क्रोशे निकाला था चेन के मिला के, और यहाँ से मैं 1 1 निकाल रही हूँ डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसके बगल वाले डबल क्रोशे से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, डबल क्रोशे के चेन से। ठीक है, यानी लूप से। अब सारे मैं सारे यहाँ तक मैं 1 1 डबल क्रोशे बनाई। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ आपको, टोटल ये 14 था, तो 14 में मैं 13 तक बनाई 1 1, और इसके बाद जो 14 है मैं वहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाई, फिर 3 चेन के स्पेस पंखुड़ी के पीछे, फिर उसके बगल वाले डबल क्रोशे के ऊपर वाले चेन से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से देखिए दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे मैंने स्पेस के लिए 3 चेन मैंने बनाया हुआ है। तो इसी तरह से फ्रेंड ये टोटल मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा करके आऊँगी। यहाँ क्वांटिटी आपको कहाँ बढ़ाना है, ये देखिए पंखुड़ी के इधर साइड में एक बढ़ा रही है और इधर साइड में 1 को बढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह से क्वांटिटी ये दोनों साइड 1 1 करके आपका बढ़ रहा है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, और ये जो चेन बना हुआ है वहाँ पे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, अब 15 रो के लिए मैं फिर से चेन बनाई और सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। तो 15 रो में टोटल चेन से आपको 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो ये मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे बीच में कहीं भी आपको डबल क्रोशे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ जो चेन मैंने बनाया हुआ था 3, तो यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारा लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर से दिखाती हूँ आपको, और ये जो चेन है यहाँ से मैं 3 टाइम निकालूंगी, फिर यहाँ पे पहुँच के फिर 3 टाइम निकालूंगी। तो इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 निकाला हुआ है, तो यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक करने के बाद इसे ज्वाइंट कर दी हूँ। अब 16 रो में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी पहले, और सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे बनाते जाऊंगी। सेम आपको सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। ये देखिए मैंने कहीं भी नहीं बढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशे बनाया हुआ था, तो ये जो बीच का है आपको इसकी सिधाई के लूप से आपको 2 डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1 निकाला। ठीक है, अब जो बीच का है मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है।
फिर इसके बगल में मैं देखिए ये मैंने यहाँ इसके सिधाई से 1 और बीच वाले के सिधाई से मैं 2 निकाली। अब इसके बगल से भी मैं 1 निकालूंगी और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाएंगे फिर से वहीं तक। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। फिर मैं यहाँ पे आऊँगी और इसके बीच वाले से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 निकाली हूँ। अब मैं यहाँ पे जो इसके बीच वाला है मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो ये मैं बार बार दिखा देती हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको मिस्टेक हो जाए। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। तो ये 16 रो को भी इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए इसके सिधाई से मैं 2 निकाली। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 17 रो में क्या करूँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले आपको चेन बनाना है, 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है। सॉरी नहीं, नहीं, आपको यहाँ पे 8 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में आपको डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से, 8 डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से, 1 डबल क्रोशे सॉरी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे आपको 8 टाइम बनाना है। और 9th में आके आपको 2 डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये रो को आपको कंप्लीट करना है, 70 रो को 70। तो ये देखिए फिर आपको ये देखिए दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ से आप काउंट करोगे तो ये आपका 8 हो जा रहा है। फिर 9 में मैं 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं 8 डबल क्रोशे बना रही थी और 9 में मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ा रही थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने देखिए इस लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकाली। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या होगा, इस तरह से आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से सिंगल सिंगल निकालना है इस तरह से डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। और जो लास्ट वाला आपका बच रहा है तो यहाँ पे आपको 2 करना है क्योंकि इधर से आपका 8 ये हो रहा है तो 9 कहलाएगा। तो यहाँ से मैं 2 इसको कर दूंगी, उसी में ज्वाइंट करके इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी इस जगह पे आपकी 2 बढ़ गई। ठीक है, 1 बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है। अब 18 रो में क्या करना है आपको, फिर से 3 चेन लेना है। फिर आपको वही रिपीट करना है, फिर से आपको सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे 8 टाइम करना है। और 9 में आके आपको 2 डबल क्रोशे करना है 1 लूप के अंदर से। ये देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो रहा है। ठीक है, तो 9 में मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे करूँगी। पहले मैं 8 से कर रही थी, 8 बना के 9 में बढ़ा रही थी, अब यहाँ पे 9 करके 8 में बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ पे करना है आपको। तो ये 18 रो आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाया हुआ था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 10 में मैं
टू डबल क्रोशे बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपकी थोड़ी कम हो गई है तो चलेगा, आपको लास्ट वाले जो चेन बनाते हो वहाँ से एक और डबल क्रोशे निकाल के और इस तरह से चेन के सबसे ऊपर वाले लूप से इस तरह से स्लिप स्टिच करके कर देना है जॉइंट, ठीक है। फिर आपको 19 रो में 3 चेन बनाना है और यहाँ से 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 चेन बना रही हूँ और 6 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ वन चेन के अंदर से। अब यहाँ पे 3 चेन लेना है आपको और यहाँ पे मैं 2, 3 को स्किप करके और 1 डबल क्रोशे फिर से 1-1 लूप के अंदर से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 6 टाइम निकालना है, 1-1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 6 टाइम निकालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फिर 3 चेन स्पेस के लिए, फिर यहाँ पे स्किप करना है 1, 2 और 3 में आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। फिर सारे लूप के अंदर से 1-1 डबल क्रोशे 5 टाइम निकालना है। तो नीचे में 2 को स्किप करना है और ऊपर में 3 चेन आपको लेना है, इसी तरह से रिपीट करना है। तो फिर मैं यहाँ पर 6 डबल क्रोशे बनाते हुए आएंगे 1-1 लूप के अंदर से, फिर मैं यहाँ पे स्पेस इसी तरह से दूंगी। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 3 चेन मैं पहले ही बना चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी एक आपकी बढ़ गई थी एक्स्ट्रा, तो मैं इसमें ज्वाइंट कर दे रही हूँ इस तरह से। तो ये मैं बार बार दिखा भी दे रही हूँ आपको। अब ये जो फ्लावर बना हुआ है ये मैं बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो कली तो मैं पहले बना चुकी हूँ आपको, दिखा चुकी हूँ, अब ये फ्लावर को मैं सारा इस कली के साथ बनाते हुए जाऊँगी, ठीक है। तो इसमें मैं रो नहीं काउंट करूँगी क्योंकि ये फ्लावर अलग से मैं बना रही हूँ, तो इसी कारण मैं इसे रो में काउंट नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये दिखा देती हूँ मैं फ्रेंड कैसे आपको करना है। तो यहाँ देखिए ये जो जॉइंट किया हुआ जो पहले रो चल रहा है आपका, ये येलो वाला जो रो है, तो यहाँ जो लूप बना हुआ है इस तरह से आपको वहाँ पे जॉइंट करना है, ठीक है। जॉइंट कर लीजिए इस तरह से आप, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 चेन आपको बनाना है। और ये जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ से इस तरह से आपको स्लिप स्टिच करते हुए इसे सिंगल क्रोशे कर लेना है, ठीक है। अब इसको आपको इस तरह से हटा लेना है, ये देखिए मैं इस तरह से हटा के नीडल्स को अब इसे राउंड घुमा ली और इधर साइड से मैं इसे उठा ली, ठीक है, फंदे को। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, ठीक है, इसका बैक साइड कहलाएगा ये, लेकिन ये फ्रंट आ जा रहा है। फिर मैं यहाँ से देखिए, सामने से देखिए, मैं यहाँ से 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी या 7 टाइम जितना आपको निकालना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9। तो ये देखिए जिस तरह से आपको फ्लावर की पंखुड़ी तैयार करना है तो उसके हिसाब से क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे 9 हो गया है, अब मैं फिर से 9 बनाऊंगी इधर साइड में। तो इधर 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये देखिए इधर साइड मैंने 7 किया, इधर साइड मैंने 9 किया, ठीक है। तो आप इक्वल भी कर सकते हो, इधर आप इधर भी 8 कीजिए, इधर भी 8 कीजिए, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, जितना आपको घना बनाना है।
अब इस तरह से करने के बाद टोटल आप 18 डबल क्रोशे बना लीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा फाइनल बता देती हूँ। और इस तरह से देखिए मैं कहाँ पे ज्वाइंट की, ये दोनों के बीच में, और ज्वाइंट करने के बाद फिर से मैं 7 टाइम डबल चेन बनाऊंगी। 7 चेन बनाने के बाद अब मैं सबसे लास्ट में इस तरह से स्लिप स्टिच करूंगी, ठीक है। इस तरह से देखिए स्लिप करते हुए आप सिंगल क्रोशे कर लीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से ऊन के फंदे को बढ़ा लीजिए और इसे इस तरह से आगे की ओर ला ले आइए और फंदे को इधर से निडल्स में ला ली डालिए, ठीक है। डालने के बाद फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर मैं यहाँ से 18 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी चेन को मिला के, ठीक है। 3 4, तो मैं 18 करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए टोटल 18 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया। अब ये दोनों के बीच में इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है निडल्स के हुक्स में फंसाते हुए, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ से 7 टाइम चेन बनाऊंगी। तो ये देखिए ये जो कली है बीच में आ जा रहा है, फिर आपको यहाँ पे फंसाना है। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इस तरह से। 7 चेन हो चुका है और जैसे मैं बता रही हूँ सबसे लास्ट में इस तरह से आपको स्लिप करते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है और इसे इस तरह से घुमा लेना है। आप जब बनाओगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे घुमाना है। और इस तरह से घुमाने के बाद फिर से मैं 18 टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कहाँ पे मैं जॉइंट करूँगी ये दिखा देती हूँ मैं। तो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद ये हिस्सा में आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है। इधर साइड के हिस्से में इस तरह से राउंड घूमते हुए जाएगा ये। अब यहाँ से 7 टाइम फिर से वही रिपीट होगा और यहाँ करके मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ तक करती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। अब देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी इस साइड में, दिख रहा होगा आपको। तो मैं यहाँ पे इस तरह से निडल्स के हुक को घुसाऊंगी और इस तरह से इसे फंदे को निकालते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे 1 चेन लेके नोट लगा लीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिखने लगा है। अब यहाँ पे जो रेड कलर का है मैं उसको बनाऊंगी कि कैसे करना है आपको। तो पहले ही आप इस तरह से नोट लगा लीजिए अपने नीडल्स में और यहाँ देखिए ये जो चेन का जो सबसे पहला वाला है मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेन बना हुआ है ये देखिए, ठीक है। तो इसके नीचे में ही मैं यहाँ से ही इसे ज्वाइंट करूँगी। अब ज्वाइंट करने के बाद जहाँ पे ये चेन का जो शुरुआती है ये देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइंट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। या तो आप इसके बीच में भी इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ से मैं सारे लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे बनाऊंगी, सिंगल क्रोशे सॉरी। तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है सारे लूप के अंदर से। अब यहाँ पे देखिए मैं कहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, तो ये देखिए ये दोनों के जो सबसे लास्ट वाला जो चेन है तो वहाँ पे मैं ज्वाइंट करी उस तरह से। तो ये देखिए ये गैप दिख रहा है, तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कैसे करना है आपको। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करूँगी। जहाँ से आप 3 चेन बनाते हो तो वहाँ से ही करना है ज्वाइंट।
और इसके बाद ये जो चेन है तो इसके ऊपर वाले चेन से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। फिर सारे लूप के अंदर से सिंगल सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। तो यहाँ तक करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैं करके अब यहाँ पे आके यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। फिर आपको इसके बगल में फिर से कर लीजिए, तो इससे जॉइंट पता नहीं चलता है कि कहाँ पे आप जॉइंट किए हो। और इस तरह से नोट लगा लीजिए और इसे इस तरह से अंदर की ओर करते हुए आप ऊन को छुपा सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना खूबसूरत सा ये दिख रहा है। अब यहाँ पे जो मैं लीफ बनाई हूँ पत्ता, तो ये पत्ते को मैं बताऊँगी कि कैसे बनाना है। तो इस तरह से पहले आप नोट लगा लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो फ्लावर का पंखुड़ी बना हुआ है, तो यहाँ पे इसके जो आपको लूप दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं इस तरह से पीछे की ओर से नीडल्स को फंसाऊँगी। और ये देखिए इसके बीच में भी आपको एक होल दिख रहा है, इस तरह से आपको फिर बैक साइड ले जाना है और इस तरह से नोट लगा लेना है, ठीक है। नोट लगाने के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर से आपको 7 चेन बनाना है और जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसी तरह से आपको, जैसे मैं घुमा रही थी इसमें बना फ्लावर के पंखुड़ी बना रही थी मैं, उसी तरह से आपको इस तरह से राउंड घुमा लेना है और यहाँ से 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद आपको ये चेन को भी काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से मैं 7 टाइम निकालूँगी, तो ये इसे काउंट करिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये देखिए 7 हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊँगी इस तरह से और फिर से मैं इस साइड में 7 बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हो चुका है, 5, 6, 7, तो इस तरह से, ठीक है। अगर आपको ये खाली जैसे लग रही है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं जॉइंट कर चुकी थी। अब मैं इस लूप में इस तरह से जाऊँगी बैक साइड से, ठीक है, और हुक को इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाते हुए मैं फिर से बैक साइड आ जाऊँगी। ये देखिए जॉइंट हो गया, ये इसके दोनों के बीच बीच में आ जा रहा है। फिर मैं यहाँ से 7 टाइम चेन बनाऊँगी, 7 चेन हो जाने के बाद सबसे लास्ट में फिर से इसे इस तरह से जॉइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर नीडल्स को सॉरी ये जो है इसे मैं इस तरह से घुमाऊंगी, फिर से 7 मैं करूंगी और 2 चेन बनाऊंगी और फिर से 7 करके इस तरह से तैयार करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब मैं दूसरे वाले लिप दूसरे वाले फ्लावर के पंखुड़ी में इस तरह से जॉइंट करूँगी। इसी तरह से इसमें फंसाना है, फिर इसके बाद इधर करना है आपको। तो यहाँ तक करके दिखाती हूँ मैं आपको।
तो ये देखिए, ये भी लिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट वाला है, इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जो ज्वाइंट की थी, उसी लूप, उसी वाले पंखुड़ी में फिर से आपको इस तरह से पीछे की ओर आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट करने के बाद इसके बगल वाले जो ये लीफ है, वहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लीजिए और सारे लूप के अंदर से वन वन सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, वन लूप के अंदर से वन सिंगल क्रोशे। ये देखिए, यहाँ पे आके यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से आपको टू चेन बनाना है और यहाँ जो लूप है वहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। फिर ये सारे लूप के अंदर से वन वन सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये लिप दिखने लगेगा। फिर मैं यहाँ पर भी इसी तरह से करूँगी। पहले आपको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है, फिर ये जो चेन बना हुआ है तो इसके बीच में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे निकालना है, फिर इसके बगल वाले लूप से सिंगल क्रोशे निकालते हुए पूरा जाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिर इधर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सारा जितने भी लीफ है सारे में मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए छोड़ी हूँ। तो इस तरह से मैं फिर सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे आके ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से आप सारे लूप के अंदर से इस तरह से ऊन को फंसाते हुए छुपा सकते हो, या तो आप नोट लगा के कट भी कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना खूबसूरत सा ये फ्लावर दिख रहा है। तो इसी तरह से मैं सारे जितने भी बने हुए कली हैं सारे मैं इस तरह से फ्लावर बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये सारा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और आप ऐसे भी छोड़ोगे तो बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। तो इसके बाद मैं अब येलो कलर का उनका यूज़ करूँगी। इस तरह से आप नोट लगा लीजिए और थ्री चेन बनाना है और यहाँ से मैं फोर टाइम इस तरह से लंबे लंबे उनको इस तरह से खींच लूँगी और एक पप तैयार कर दूँगी। ठीक है, फिर यहाँ पे थ्री चेन आपको लेना है। फिर मैं यहाँ पे फाइव टाइम फिर से इस तरह से लंबे लंबे उनको खींचूँगी और फिर से मैं एक पप बनाऊँगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको सेवन चेन बनाना है। सेवन चेन और यहाँ पे जो सिक्स बना हुआ है, तो जो सबसे लास्ट वाला लूप है यहाँ पे फिर से आपको इस तरह से ज्वाइंट करना है। सॉरी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको इस तरह से लंबे लंबे धागे फाइव टाइम खींच लेना है और एक पप को फिर से कंप्लीट करना है यहाँ पे। फिर थ्री चेन, ठीक है। फिर मैं यहाँ से फिर से उसी तरह से पप तैयार करूँगी। तो ये देखिए, पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ सेवन चेन भी मैं बना चुकी हूँ। फिर आपको सेम वही रिपीट करना है यहाँ पर भी। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं पूरा रो को कंप्लीट करूँगी
ओह सॉरी, मैं ये बताना भूल गई, ये 20 रोज चल रहा है आपका। फिर मैं यहाँ पे 7 कर चुकी हूँ, अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूँगी। अब स्लिप स्टिच करते हुए आपको उस साइड जाना है। ये देखिए मैं कैसे स्लिप स्टिच कर रही हूँ। अब मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ पे आपको 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे चेन को मिला के ये आपका 5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो जाने के बाद मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। फिर इस साइड में 5 फिर से डबल क्रोशे बनाऊँगी। 1, तो यहाँ पे देखिए पूरा 5 हो चुका है। इधर साइड 5 और इधर साइड बीच में स्पेस के लिए 3 चेन। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी और इस साइड पहुँचूँगी। फिर यहाँ से सेम वही रिपीट होगा, 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है आपको। बीच में स्पेस 3 चेन का, फिर इस साइड भी 5 चेन। टोटल इस लूप से आपको 10 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में स्पेस के लिए 3 चेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 5 हो चुका है। अब मैं 3 चेन लूँगी, फिर इस साइड में 5 बनाऊँगी। और इसी तरह से आपका 21 रो कंप्लीट होगा। तो इस लूप से भी सेम वही रिपीट करना है। और सारा मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे 3 चेन बनाना है और ये जो 3 चेन बना हुआ है इधर साइड, इसे ज्वाइंट कर देना है और मैं कट कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, अब ऑरेंज ऊन का यूज करूँगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप इस तरह से इसे ज्वाइंट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो ऊपर में जो चेन बना हुआ है, तो हमेशा बैक साइड से आपको इस तरह से निकालना है, पीछे की ओर से, और सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, ये देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए मैं बैक साइड गई और इधर साइड से फिर फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे की। फिर देखिए मैं इस वाले जो चेन है, चेन के बीच से, ठीक है, चेन के नीचे के हिस्से से मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए कैसे निकाल रही हूँ मैं, फिर सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो ये क्या हो, चोटी तैयार होते हुए जा रहा है आपका। तो ये 20 रो को आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। अब ये लूप तक आके इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 चेन बनाना है। फिर यहाँ पे इसी लूप में फिर सिंगल क्रोशे करेंगे आप, सॉरी 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशे इस तरह से कर लीजिए। फिर मैं देखिए कैसे निकालूंगी। ये देखिए पीछे तरफ से मैं इस तरह से फंसाते हुए सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर देखिए बैक साइड से फ्रंट में ला रही हूँ और ऊपर का चेन को मैं छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, नीचे से फंसा रही हूँ मैं, चेन के नीचे से। फिर इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए निकल रही हूँ। ये देखिए फिर मैं देखिए नीचे से लेते हुए ऊपर जा रही हूँ और सिंगल क्रोशे कर रही हूँ इस तरह से। ये दिखेगी कुछ इधर से, ये देखिए इस तरह से दिखेगा। तो ये चोटी दिखने लगा है। फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों को इस तरह से 2 टाइम इस तरह से आपको, सॉरी 3 टाइम लंबे लंबे धागे को खींचते हुए एक पप तैयार कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और फिर से मैं वही रिपीट करूँगी। ये देखिए मैं ध्यान से देखिए आप,
ये देखिए मैं नीचे की लूप से निकाल रही हूँ मैं, फिर मैं बैक साइड से, फिर बैक फ्रंट में ला रही हूँ, फिर बैक साइड से निकाल रही हूँ, फिर सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ से खींचते हुए फिर सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। इसी तरह से स्लिप स्टिच करते हुए सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो ये बैक साइड से जा रहा है, फ्रंट साइड से मैं नहीं कर रही हूँ, बैक साइड से कर रही हूँ। फिर मैं लूप में पहुँचूँगी, अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करूँगी इस लूप में, फिर यहाँ पे थ्री चेन, फिर उसी लूप के अंदर से फिर वन सिंगल क्रोशे, और इस तरह से हुक को देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, यहाँ पे डाली, चेन को मैं छोड़ दे रही हूँ और उसके नीचे वाले लूप से मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड मैं यहाँ तक करके दिखा रही हूँ, हो चुका है। फिर देखिए कैसे करना है, आपको फंदा लेना है, फंदे लेने के बाद थ्री टाइम इस तरह से ऊन को लंबा लंबा खींच लेना है और उसके बाद एक पप तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे वन चेन लूँगी और सेम वही रिपीट करते जाऊँगी। तो इस तरह से हुक को फंसाते हुए ऊपर की ओर खींचते हुए फिर सिंगल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए फ्रेंड मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको, ये 22 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब येलो उनका यूज करूंगी मैं, अब ये जो लूप बना हुआ था आपको वहीं पे ज्वाइंट करना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे 11 चेन आपको बनाना है, सॉरी 12 चेन बनाना है, टोटल ये 12 चेन है। और फिर इसके बगल वाले लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो ये टोटल आपका 12 चेन है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 12 चेन बनाऊँगी और ये 23 रो चल रहा है, मैं बता देती हूँ आपको। फिर आपको यहाँ पे इस लूप में ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए और इसी तरह से ये लूप को पूरा कंप्लीट करना है, ये रो को यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको। तो ये देखिए फ्रेंड फिर से मैं 12 चेन बना चुकी हूँ, ये देखिए टोटल 12 है। इस तरह से आप इसे रोक के भी देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 चेन, ठीक है। इसके सिदाय से अब इस लूप के जो चेन बना हुआ है ये सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालती जाऊँगी, ठीक है। वन चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, वन चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 12 टाइम मैं इसी तरह से करूँगी। ये 24 रो चल रहा है आपका। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक निकाल चुकी हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल आपका 13 हो गया, क्योंकि इसके सिधाई से मैं निकाली तो यहाँ पे ये टोटल 13 कहला रहा है। फिर मैं इस लूप के अंदर से वन चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, वन चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, सेम वही रिपीट होगा। और ये 24 रो को इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे चेन के अंदर से 1 1 निकालूंगी और पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड यहाँ जो चेन मैंने पहले बनाया हुआ था तो सबसे ऊपर में जैसे हमेशा मैं ज्वाइंट करती हूँ उसी तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज उनका यूज करूँगी, सॉरी मुझे नींद आने लगी है। फिर इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे आपको
भी चेन बनाना है। नहीं रॉन्ग है ये, इस तरह से नहीं बनेगा ये। यहाँ पे आपको सारे लूप के अंदर से सिंगल सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए इसकी सिधाई में मैं जॉइंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से आपको फंदा लेते हुए 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे करना है। फिर इसके बीच वाले सारे लूप के अंदर से 1 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है, सारे लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे, सारे लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे, यानी 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके सिधाई में मैं देखिए कहाँ पे, इसके सिधाई में मैं इस तरह से फंदे को 2 टाइम निडल्स में डाली, और यहाँ ये जो इस तरह से हुक है, ये देखिए लूप, यहाँ पे मैं इस तरह से हुक में फंसाते हुए 1 2 3 डबल क्रोशे की, ठीक है। अब इसके देखिए इसके सिधाई में जो एक लूप है आपको उसे स्किप कर देना है, और उसके बगल वाले लूप में इस तरह से ज्वाइंट करना है। फिर सारे लूप के अंदर से सिंगल सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाना है, फिर आपको वहीं तक पहुंचना है। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये 25 रो चल रहा है आपका, तो मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब 26 में क्या करना है आपको, तो इस तरह से आप किसी भी लूप में इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए, और 4 चेन बनाना है आपको, और 1 देखिए 2 को मैं स्किप करके 3 में इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ, फिर 4 चेन बना रही हूँ मैं, फिर यहाँ पे 1 2 को स्किप करके तीसरे में ज्वाइंट कर रही हूँ, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 को स्किप करके फोर्थ में डाल रही हूँ, 2 को स्किप करके फोर्थ में डाल रही हूँ, ठीक है। और इसी तरह से 26 रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक 26 रो आपका कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो इस तरह से 2 2 करके आपका 4 है यहाँ पे, तो मैं 2 को स्किप करके यहाँ पे ज्वाइंट की। अब यहाँ पे आपका 1 बचा हुआ है, तो आप फिर से उसी तरह का रिपीट कर देना है। अब यहाँ पे कट कर लीजिए, और 27 में अब मैं ऑरेंज ऊन का यूज करूँगी। तो आप इस तरह से इस लूप के सामने इस तरह से जॉइंट कर दीजिए, और यहाँ पे 3 चेन बनाना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट में 4 बनाई थी, लेकिन यहाँ पे आपको 3 बनाना है, ठीक है। अब इस लूप में इस तरह से आपको सॉरी 12 डबल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से। ट्वेल्व डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद ये देखिए काउंट करके देखिए आप, फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, और ये देखिए इसे आपको स्किप कर देना है पहले वाले लूप को, और सेकेंड लूप में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाना है, फिर इसके बगल वाले लूप में फिर सिंगल क्रोशे करना है, फिर 3 चेन आपको बना लेना है, और ये वाले लूप को आपको स्किप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे स्किप की थी वैसे आपको इधर साइड को भी स्किप करना है, और इसके बगल वाले लूप से 12 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं कर चुकी हूँ यहाँ तक, ये टोटल 12 कर ली हूँ मैं।
अब मैं फिर से वही रिपीट करूँगी, थ्री चेन बनाऊँगी, फिर वन को स्किप कर दूँगी और सेकेंड में मैं सिंगल क्रोशे करूँगी, फिर थ्री चेन बना के उसके बगल में मैं सिंगल क्रोशे करूँगी और फिर से थ्री चेन बनाऊँगी, वन टू थ्री, और मैं इसे स्किप करके इसके बगल में 12 डबल क्रोशे निकालूंगी, जैसे मैं यहाँ पे निकाली थी इसी तरह से मैं यहाँ पे भी करूँगी और ये रो को मैं पूरा इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो ये 28 या 27 चल रहा है पता नहीं, 28 हो गया शायद ये। और यहाँ पे जो चेन में बनाई थी वहाँ पे इस तरह से ऊपर में जॉइंट कर देना है। तो 27 रो पूरा इस तरह से कंप्लीट हो गया है, 28। अब मैं इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट करके ये देखिए मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाई, अब ये जैसे मैं उसमें कर रही थी सेम इसी तरह से इसमें भी आपको करना है। बैक साइड से इस तरह से आपको चेन के नीचे वाले से निकालना है डबल क्रोशे और वहाँ पे वन चेन का स्पेस देना है, फिर दूसरे वाले से मैं इसी तरह से निकालूंगी, फिर वन चेन का स्पेस दूंगी, फिर इस तरह से नीडल्स को फंसा के फिर मैं वन डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर वन चेन का स्पेस, फिर आपको फिर से नीचे से इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। ये मैं जैसे आपको बताई थी इसमें सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ पे 12 हो चुका है। ये देखिए 12 के लिए मैं इस तरह से सबसे लास्ट वाले चेन से मैं इस तरह से इसे निकालूँगी, तो ये टोटल 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वन टू टू चेन करने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है, फिर टू चेन, फिर वही रिपीट होगा। ये देखिए नीचे जो चेन के नीचे जो एक लूप है वहाँ से आपको उसके बगल वाले लूप से इस तरह से खींचते हुए डबल क्रोशे करना है, फिर स्पेस वन चेन का, फिर वही रिपीट करना है आपको। तो 28 रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। अब इस तरह से पूरा ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिखने लगा है। अब मैं यहाँ पे फाइनल ऑरेंज कलर का ऊन दूंगी, उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 29 रो आपका चल रहा है। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाले लूप में इस तरह से ज्वाइंट करना है, ये जो 12 डबल क्रोशे निकाले थे आप, और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे टू या थ्री चेन बना लीजिए, आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो ये देखिए थ्री चेन में बना रही हूँ और फिर मैं उसी लूप में सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से, लेकिन ये छोटा छोटा दिख रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आप इसमें आप फोर चेन लीजिए, तो वन टू थ्री फोर, ठीक है इस तरह से, और इस जिसमें आप ज्वाइंट किए थे उसी में ही सिंगल क्रोशे फिर से ले लेना है आपको। फिर इसके बगल में मैं ये मैं फिर मिस्टेक कर रही हूँ, इस तरह से नहीं करना है। फिर आपको इसके बगल वाले में सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है और फिर यहाँ पे फोर चेन, फिर यहाँ से मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करूँगी। तो ये रात के समय मैं बनाती हूँ फ्रेंड, तो नींद में मैं कुछ भी बीनने लगती हूँ,
इसलिए मिस्टेक थोड़ा सा दिख रहा है ये। फिर आपको इसके बगल के ही उसी लूप में फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशी निकालना है। फिर देखिए यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशी निकाली, ठीक है, यहाँ पे फोर चेन लूँगी मैं, और जहाँ पे मैं सिंगल क्रोशी निकाली उसी से फिर मैं एक सिंगल क्रोशी निकालूंगी, ठीक है। फिर इसके बगल में जाने के लिए फिर सिंगल क्रोशी करते हुए आपको ज्वाइंट करना है। आप ज्वाइंट करोगे तो इस तरह से ये पूरा फाइव करना है आपको टोटल। अब सिक्स में क्या करना है, इस तरह से ज्वाइंट करना है पहले सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर यहाँ पे यहाँ से वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, ठीक है। टू डबल क्रोशे करने के बाद अब आपको वन टू थ्री फोर चेन लेना है। फोर चेन लेने के बाद यहाँ पे वन को स्किप करके आपको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है, और फिर से वन चेन ले लीजिए आप, और इसी लूप के अंदर से सिंगल डबल क्रोशे टू टाइम फिर से करना है आपको। टोटल यहाँ पे फोर निकलेगा इस लूप के अंदर से, इस तरह से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इस लूप में जाने के लिए आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे फोर चेन, फिर उसी लूप में फिर से आपको सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा सा राउंड टाइप का घूम जाता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, तो ये देखिए फ्रेंड, मैं फिर से वही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दीजिए आप, मैं फिर से बता देती हूँ आपको, और फिर मैं यहाँ पे इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे कर दूँगी, ठीक है। सेम वही बना रही हूँ मैं, ये मैं टू टाइम इसे ऐड करती हूँ, इसके लिए सॉरी, मुझे लगा शायद ये वीडियो में डिलीट करती हूँ, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ तक तो मैं आपको बता दी थी, ये आपको फोर चेन बनाना है, और इसी फंदे में आपको फिर से सिंगल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे जॉइंट करने के लिए फिर देखिए मैं मिस्टेक फिर यहाँ पे कर दी थी। तो सेम वही रिपीट होगा जो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। तो ये मेरा टू टाइम, मेरा ये दो बार मैं इसे इसी तरह से ऐड कर दी हूँ, अभी ऐसे मैं डिलीट भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है, फिर इस लूप में इस तरह से ज्वाइंट करना है, फिर यहाँ पे फोर चेन लेना है आपको, फिर यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर दूसरे लूप में भी इसी तरह से जाने के लिए आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करके फिर फोर चेन बनाना है। तो इस तरह से फाइव आपको बना लेना है, फिर यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी मैं सिक्स में, और यहाँ से टू टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर चेन, और जो सबसे लास्ट तक है वहाँ पे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी वन चेन को छोड़ते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे वन चेन लूँगी और उसी लूप के अंदर से टू टाइम फिर डबल क्रोशे निकालूंगी। चलिए आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे से करना है, दो बार आप देख सकते हो उसे। फिर आपको इस लूप में जाने के लिए सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर चेन, फिर यहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगी, फिर यहाँ से फोर चेन, फिर उसी लूप में आपको फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। अब उसके बगल वाले लूप में फिर से आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है, फिर फोर चेन लेना है, फिर आपको उसी लूप में फिर से सिंगल क्रोशे करना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक करूँगी। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर भी फाइव हो गया है आपका, इधर भी फाइव है। अब यहाँ पे इस लूप के बीचों बीच मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूंगी, फिर इस लूप में चले जाऊंगी डायरेक्ट। यहाँ पे आपको स्पेस के लिए कोई चेन नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको इस साइड चले जाना है,
ये देखिए मैंने चेन ले लिया है। अब मैं यहाँ पे चले जाऊँगी और इस तरह से जॉइंट करके फिर फोर चेन बनाऊँगी। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ जॉइंट कर, लास्ट वाला जॉइंट कैसे करना है। तो फिर से यहाँ पे जॉइंट कर लीजिए, फिर यहाँ पे आपको फोर चेन फिर उसी लूप में जॉइंट करना है जैसा कि मैं हमेशा बता रही हूँ। फिर जॉइंट करने के बाद फिर फोर चेन और इसी तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। फिर यहाँ पे डाइट यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है और फिर मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दूँगी डाइट यहाँ जाके। ये हो गया, फिर यहाँ पे वन चेन देते हुए कट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो गया है और कितना खूबसूरत सा ये दिख रहा है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ये मैं बहुत मेहनत करके इसे बनाई हूँ फ्रेंड, और आप लोग लाइक भी नहीं देते हो ना सब्सक्राइब करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, और आपको अगर मेरी सॉरी मेरी चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये डिजाइन बन के उभरा है। और आप मेरे वीडियो को देखने के लिए वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।